नमस्कार। बड़ी खबर अन्वेषक नियमितीकरण को लेकर आ रही है। साथियों, आज की ये बिग ब्रेकिंग न्यूज अन्वेषक नियमितीकरण, सबसे पहले अन्वेषक न्यूज पर। अन्वेषक नियमितीकरण की घोषणा पहली बार लाखों की भीड़ के बीच की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने। आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज, मैं आपका दोस्त डीके देव उर्फ नजर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। साथियों, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है निकल कर। ये खबर है, कल एक बड़ी रैली हुई थी जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा है, पहली बार कहा है अनुदेशकों के नियमितीकरण को लेकर। उन्होंने कहा है कि अनुदेशक भाई 4 साल से लगातार नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं हमारी सरकार आई तो इनको नियुक्त किया जाएगा। क्या है ये बड़ी खुशखबरी अनुदेशकों के लिए। लेकिन यहां पर छोटा सा निवेदन है, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना रुकावट के शुरू करते हैं आज के वीडियो। बहुत सारे हमारे अनुदेशक हैं, ये नियमित के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। नियमितीकरण की जो बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। इन्हें आउटसोर्स पे रखा गया है, इन सब का समाधान करने का काम हम समाजवादी लोग कर रहे हैं। हमारे अनुदेशक हैं, ये नियमित के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सुनिए, आपने देख लीजिए, फिर से हम दिखाना चाहेंगे पूरा वीडियो क्या है समाचार और कहां से आ रहा है ये समाचार। साथियों, यहां पर बताना चाहूंगा, एक बड़ी रैली थी फतेहपुर, रायबरेली आदि जगहों पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की। वहां पर अनुदेशक नियमितीकरण की पट्टी लेकर, बैनर लेकर अनुदेशक अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने भीड़ में शामिल होकर अपनी बात को पूरी मुश्तैदी के साथ रखा, जिसको देखकर अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम उचित समाधान अवश्य करेंगे, अनुदेशकों के दर्द को हम बखूबी जानते हैं, 4 साल से ये नियुक्तिकरण को लेकर दर दर भटक रहे हैं। साफ साफ साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो इनका पूरा सम्मान किया जाएगा। हमारे नौजवान जानते होंगे कि 11 लाख पद खाली हैं जो अभी तक सरकारी नौकरियों में भरे नहीं गए हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख पदों पर सरकारी नौकरी नौजवानों को देने का काम होगा। इधर चीजें बदली हैं। साथियों, आपने देखा यहाँ पर अन्वेषक नियमितीकरण की बात को दोहराया है फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने, और उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम उचित सम्मान देंगे और उचित समाधान करेंगे। देखते हैं साथियों, वक्त बताएगा, 10 मार्च का इंतज़ार है समस्त संविदा कर्मियों को कि किसकी सरकार बनती है और कौन हमारे हक को वापस करता है, हमारे सम्मान को दिलाएगा और कौन अनुदेशक का नियमितीकरण करेगा। ये बड़ा सवाल बना हुआ है, देखते हैं 10 मार्च के बाद क्या होता है। क्या पहली कैबिनेट मीटिंग में जो भी सरकार बनेगी कुछ करेगी। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।